वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा नायका का हॉल। तो नायका पे जब सेल चल रही थी तो कुछ चीज़ें मैंने परचेज़ की, बट मुझे मेरा पार्सल जो है रिसीव होते होते काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। बट फिर भी मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर कर दूँ जो भी मैंने परचेज़ किया है, बिकॉज नायका पे ऑलवेज सेल चलती रहती है। अभी तो फेस्टिवल्स भी शुरू हो गए हैं तो काफ़ी ज़्यादा सेल वगैरह आपको मिलेगी एंड काफ़ी अच्छा डिस्काउंट्स भी आपको मिलेगा, जिसके अंदर आप काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स में चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड इस तरीके के वीडियोज़ अगर देखना आपको पसंद है, लाइक मेकअप रिव्यूज़, हॉल, ट्रैवल, तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें एंड उसके बाद जो नोटिफिकेशन बेल आता है उसको ज़रूर से हिट कर दें, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँच जाए। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। तो ये तीन बॉक्सेस मुझे रिसीव हुए हैं, तो एक एक करके सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें मैंने परचेज़ की है। मेरा जो फर्स्ट परचेज़ है, मैंने ये शीट मास्क परचेज़ किए हैं, मैंने ये फेस ऑफ के शीट मास्क परचेज़ किए हैं। ये बाय थ्री गेट थ्री ऑफर में थे, तो कुछ इस तरीके के शीट मास्क है। तो इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो है ₹100। तो बाय थ्री गेट थ्री ऑफर में जब मैंने परचेज़ किया तो इसकी एक की प्राइस जो है वो ₹50 हो गई। तो मैंने तीन परचेज़ किए थे तो उसके साथ तीन मुझे फ्री मिले। तो मैंने परचेज़ किया है फिग, ग्रीन टी, एलोवेरा, देन टोमेटो है, राइस है एंड ओटमील का है इसके अंदर। शीट मास्क को किस तरीके से यूज़ करना होता है तो उसका वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, तो यहीं कहीं मैं दे दूंगी या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या कहीं ना कहीं तो मैं दे ही दूंगी। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो उसे चेक करने में तो आप वो भी देख सकते हैं। मेरा जो नेक्स्ट परचेज है, मैंने ये एवीनो की मॉइस्चराइजिंग लोशन परचेज किए हैं। ये फॉर ड्राई स्किन पीपल के लिए है। इसकी एक की जो प्राइस है वो ₹250 है। तो मैंने ये बाय वन गेट वन ऑफर में परचेज किए तो इसके साथ में मुझे ये भी फ्री मिला। इसके अंदर आपको 71 ml का प्रोडक्ट मिल जाता है। इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है एंड मैंने इसे 4 से 5 बार यूज़ भी किया है। बहुत ही जल्दी स्किन में एब्जॉर्ब भी हो जाता है एंड काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग भी है। जो नेक्स्ट आइटम है वो ये है बायोटिक की नाइट क्रीम। ये बायो वीट जर्म नाइट क्रीम है एंड बायोटिक के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो 100% आयुर्वेदिक होते हैं एंड इसके अंदर 50 ग्राम का प्रोडक्ट आ जाता है। इसकी जो MRP है वो ₹230 है। कुछ इस तरीके की पैकेजिंग है इसकी बाहर से, अंदर से कुछ इस तरीके का टब है इसका, अंदर से कुछ इस तरीके की है ये। कंसिस्टेंसी इसकी काफ़ी ज़्यादा थिक है, नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है ये। मैं इसे कम से कम 6 से 7 दिनों से रेगुलरली नाइट में यूज़ कर रही हूँ एंड मेरी स्किन जो है वो ड्राई स्किन के अंदर आती है। लाइक समर्स में थोड़ी सी कॉम्बिनेशन हो जाती है, विंटर में थोड़ी ड्राई रहती है, तो मुझे ये क्रीम काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है एंड इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी फ्रेग्रेंस है। नेक्स्ट मैंने परचेज़ किया है ये सहनाज हुसैन का हेयर टचअप। तो ये मैंने ब्राउन शेड में परचेज किया है। इसकी जो MRP है वो ₹320 है एंड इसके अंदर 7.5 ग्राम का प्रोडक्ट मिल जाता है। थोड़े बहुत जो ग्रे हेयर्स होते हैं उसको टचअप करने के लिए मैंने ये परचेज किया है। कुछ इस तरीके का है ये, अंदर से कुछ इस तरीके की स्टिक है इसकी। शेड मैं आपको दिखा देती हूँ इसका, इमरजेंसी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है। कहीं आपको बाहर जाना है और थोड़े बहुत ग्रे हेयर आपको दिख रहे हैं तो इसे आप टचअप कर सकते हैं। क्रीमी बेस्ड है थोड़ा, बट बार बार आपके हेयर पे आपको हाथ नहीं लगाना होता है। इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर है कैस्टर ऑयल, आलमंड ऑयल, सिसमी ऑयल, ऑलिव ऑयल, फ्रूट ऑयल और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर है। मेरा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये बायो ऑयल की ड्राई स्किन जेल है। इसके अंदर 50 ml का प्रोडक्ट आ जाता है एंड ये जेल फॉर्म में है, तो अंदर से कुछ इस तरीके का है ये। एंड ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है एंड ये ड्राई स्किन के लिए है। अगर आपकी ड्राई स्किन है और आपने क्रीम वगैरह अप्लाई की हुई है तो बहुत ही हल्का सा इसे अप्लाई करना होता है एंड बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हो जाती है ये एंड बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है। तो बायो ऑयल जो होता है उसी का जैसा है ये, बट ये जेल फॉर्म में है। मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ, तो कुछ इस तरीके का है ये। इसे अप्लाई करने के बाद में ऑयल जैसा ही फील होता है, तो बहुत ही हल्का सा इसे अप्लाई करना होता है एंड इसमें जो है फ्रेग्रेंस बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट मेरा परचेज है ये हेयर मास्क। मैंने ये कोकोनट एंड हनी का हेयर मास्क परचेज किया है। इसका जो ब्रांड है वो कोकून ब्रांड है एंड 350 ग्राम का प्रोडक्ट है इसके अंदर। तो बाहर से कुछ इस तरीके का टब है इसका एंड अंदर से कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी है। फ्रेग्रेंस इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो इस हेयर मास्क को आप स्पा की तरह भी यूज़ कर सकते हैं एंड एज अ कंडीशनर भी आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आप स्पा की तरह यूज़ करते हैं तो 15-20 मिनट्स आपको अपने हेयर पे लगा के रखना है इसे। एज अ कंडीशनर यूज़ करते हैं तो आफ्टर शैम्पूइंग योर हेयर आपको इसे अप्लाई करना है एंड देन रिंस कर देना है।
नेक्स्ट मेरे पास है ये अंडर आई जेल। मैंने ये अरोमा मैजिक की अंडर आई जेल परचेज किया, तो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग है बाहर से एंड इसके अंदर 20 ml का प्रोडक्ट आ जाता है। अंदर से कुछ इस तरीके की ट्यूब है इसकी। इसकी जो MRP है वो 210 है। तो अंदर से मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से है ये। तो कुछ इस तरीके के जेल बेस्ड में है। इस जेल के अंदर बहुत ही हल्की सी स्मेल है एंड बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब भी हो जाती है एंड बहुत ही लाइट वेट है। जो लास्ट मेरा प्रोडक्ट है, मैंने ये ऑनियन हेयर ऑयल परचेज किया है। ये मकई ब्रांड का ऑनियन हेयर ऑयल है, आई थिंक मकई लिखा हुआ है इसमें। तो 200 ml का प्रोडक्ट है इसके अंदर। जब मैंने इसे नायका पे देखा तो इसके अंदर काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे, बट कुछ रिव्यूज़ में लिखा हुआ था कि इसकी स्मेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो आई वॉज कन्फ्यूज़ कि मुझे ये बाय करना चाहिए कि नहीं। बट जब मुझे ये रिसीव हुआ तो इसकी जो फ्रेग्रेंस है मैंने स्मेल करके देखी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्मेल आती है इसके अंदर। ऑनियन जैसी बिल्कुल भी स्मेल नहीं है, बहुत अच्छी स्मेल आती है। तो इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स है मैं आपको बता देती हूँ। बहुत सारे ऑयल्स इसके अंदर है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्मेल आती है इसके अंदर। इसमें है रेड ऑनियन एक्सट्रैक्ट, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल, आर्गन ऑयल, ऑलिव ऑयल, जटामंसी एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर, रोजमेरी एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर, कोको बटर है, शिया बटर है, मैंगो बटर है, सैंडलवुड है। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है। तो मुझे इसकी स्मेल काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। इसका जो रिजल्ट्स है वो तो मैं आपको अभी बता नहीं सकती, बिकॉज इसे 2 से 3 बार ही यूज़ किया है, बट ये अप्लाई करने के बाद बहुत ही लाइट लगता है हेयर में। तो कुछ ये सारी चीज़ें मैंने परचेज़ की थी नायका से। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।